हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ अ सेट नंबर 13 ऑफ ज्योग्राफी एमसीक्यूज़। ज्योग्राफी एमसीक्यूज़ में आज हमारा सेट 13 है, जिसमें हम प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस कुछ क्वेश्चंस लेक झीलों से संबंधित देखेंगे। अब तक हमने सेट 12 करा दिए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से की थी, एंड इंट्रोडक्शन से लेकर फिर हम आगे बढ़ते गए क्रम में। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखे, सोलर सिस्टम से की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, अर्थक्वेक से रिलेटेड, वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन से देखे हैं। ठीक है, जियोसिंक्लाइन आइसोस्टेसी माउंटेन बिल्डिंग से होते होते हम फिर लास्ट सेट में हमने प्लेट्यू, जो सेट नंबर 12 था, प्लेट्यू से रिलेटेड 20 क्वेश्चन से देखे थे। डेली बेसिस पर तो हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन कोई दिन स्किप हो जाता है तो वीडियो आपको 8 बजे, रात के 8 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आप डेली जुड़ना ना भूलें 8 बजे, तो आपको ये सारी क्लासेस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगी। तो आज हम सेट 13 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मैदान है, मैदान किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर, या बोथ बी एंड सी? देखिए, प्लेन की बात करें, हमने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन्स आते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स, देन इसके बाद सेकंड ऑर्डर में आपके हमने बताए माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ठीक है, एंड एटीसी, बाकी चीजें ये हमने सेकंड ऑर्डर में बताए। अब ध्यान से सुनना, सेकंड ऑर्डर में भी प्लेन आता है एंड थर्ड ऑर्डर में भी प्लेन आता है। ये अभी क्लियरिटी आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। कुछ स्टूडेंट्स बी लगाएंगे, लेकिन अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, प्लेन्स फॉर्म्ड थ्रू इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ो, प्लेन्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए, ध्यान से सुनना, जो प्लेन एंडोजेनेटिक फोर्सेस से बनता है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड, फर्स्ट में तो देखो आएगा ही नहीं, फर्स्ट तो काट दो सबका, नन भी नहीं आएगा। अब खेल चल रहा है सीधा बी और सी पर, ठीक है, इधर भी बी और सी और इधर भी बी और सी पर। देखिए, हमने बताया एंडोजेनेटिक फोर्सेस से कोई भी स्थलाकृति बनेगी वो किस में आएगी, सेकंड ऑर्डर में, और जिस पर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रही हो, एक्सोजेनेटिक, वो आ जाता है थर्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोजेनेटिक फोर्सेस काम कर रही हैं, नीचे से जो फोर्स हैं वो लग रही हैं, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर में, एंड ये आ जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर में। जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क काम कर रहे हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के द्वारा, वो आ जाएगा थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में। तो समझ आए हमने यहाँ पर बी और सी क्यों लगाया था, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में क्यों आता है प्लेन। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्लेन्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। 3 स्टेटमेंट है, प्लेन्स मे बी अबव और बिलो सी लेवल बट दे कैन नॉट हायर देन द सराउंडिंग रीजन। अब देखिए, ये सी लेवल है, प्लेन इससे नीचे भी हो सकते हैं, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है, सी लेवल से ऊपर भी और सी लेवल के नीचे भी। लेकिन जो प्लेन है, अगर दो एरिया हैं, सराउंडिंग एरिया की बात करें, ठीक है,
तो सराउंडिंग एरिया के हमेशा प्लेन नीचे रहेगा, ठीक है। सराउंडिंग एरिया की बात करें, देखिए यहाँ पर मीन सी लेवल जगह का अलग अलग होता है, कहीं पर अलग होगा कहीं पर अलग होगा, ठीक है। तो लेकिन जो सराउंडिंग एरिया उससे प्लेन हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊंचा नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, सम प्लेन्स आर बिलो सी लेवल, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कोस्टल प्लेन्स ऑफ नीदरलैंड, बिल्कुल सही है। जो नीदरलैंड के कोस्टल प्लेन हैं वो सी लेवल से नीचे हैं कुछ। नेक्स्ट है, सम प्लेन्स आर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अबव मीन सी लेवल, एग्जाम्पल ईस्टर्न मिसिसिपी प्लेन इज 450 मीटर हाई, बिल्कुल सही है। मीन सी लेवल से काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर भी प्लेन पाए जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो ऐसी स्टेटमेंट बनकर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई अदर एग्जाम हो, जीडीसी वगैरह, सभी में क्वेश्चन ऐसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगेरियन प्लेन लाइज बिटवीन, जो हंगरी का प्लेन है, हंगरी एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। हंगरी एक कंट्री कहाँ है, यूरोप में। जो हंगेरियन प्लेन है वो किन के बीच में है, वोसगस माउंटेन एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, इनके बीच में। तो हमने क्या है, रिफ्ट वैली बताई थी, इनके बीच में क्या बताई थी, रिफ्ट वैली बताई थी। डिनेरिक एल्प्स एंड कार्पेथियन एल्प्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। जो हंगेरियन प्लेन है, जो एल्प्स माउंटेन है यूरोप में, तो एक तरफ डिनेरिक एल्प्स है, एक तरफ कार्पेथियन एल्प्स, इनके बीच में है हंगेरियन प्लेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटलस माउंटेन और अगाहर माउंटेन, ये अफ्रीका में है। एंड कटंगा प्लेट्यू एंड कालाहारी डेजर्ट, ये भी कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पेनी प्लेन्स, ग्लेशियो फ्लूवियल प्लेन्स, पैडी प्लेन्स, डेजर्ट प्लेन्स, कास्ट प्लेन्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पांच प्लेन्स की बात की है। तो ऑप्शन है डायस्ट्रोपिक प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स, डिपोजिशनल प्लेन या कोस्टल प्लेन। अब आपको बताना है कि ये किसके उदाहरण हैं। अब ध्यान से देखना, पहले आपको पेनी प्लेन्स और पैडी प्लेन्स में अंतर बता दे, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। जैसे माउंटेन है, ठीक है, इसकी तलहटी में जो बने पेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है, इसकी तलहटी में क्या बनते हैं, पेडिमेंट्स, ठीक है। पैडी का मतलब आप एक तरह से पैर समझना, पैर, पैडी का मतलब पैर में, जो पर्वत का पैर हैं उसमें विराजमान है, क्या, पेडिमेंट्स, ठीक है। अब पेडिमेंट से ही, जब बहुत सारे पेडिमेंट्स होते हैं तो उनसे ही क्या है, पैडी प्लेन्स बनता है, ठीक है। तो ये समझ आया, पैडी प्लेन्स कहाँ बनेंगे, माउंटेन्स के जो फुट हिल्स हैं वहाँ के उसके आसपास, फुट के आसपास। और जो पेनी प्लेन है, जब रिवर बिल्कुल एंड की स्टेज में जाती है, ओल्ड स्टेज में, ठीक है, ओल्ड स्टेज में, तो वहाँ पर फिर क्या है, इरोजनल वर्क करती है, ठीक है, पेनी प्लेन्स यहाँ पर बनाती है पेनी प्लेन्स, ठीक है, इरोजनल वर्क करती है पेनी प्लेन्स। और पेनी प्लेन्स में भी जैसे मोनाड रॉक्स इसका उदाहरण है, जब आपने डेविसियन साइकिल पढ़ा था वहाँ पर पेनी प्लेन्स बताया था, मोनाड रॉक्स, तो ये बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, इरोजनल प्लेन्स के, ठीक है, सारे किसके उदाहरण हैं, इरोजनल प्लेन, चाहे पेनी प्लेन हो, ग्लेशियो फ्लूवियल प्लेन हो, पैडी प्लेन हो, डेजर्ट प्लेन हो, कास्ट प्लेन हो, सभी किस में आ जाएंगे, इरोजनल प्लेन्स में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एलुवियल प्लेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एलुवियल प्लेन किसका उदाहरण है, डायस्ट्रोपिक प्लेन, इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन, कोस्टल प्लेन। तो सिंपली ये डिपोजिशनल प्लेन का उदाहरण है, जैसे रिवर है, रिवर अपने साथ क्या है, सेडिमेंट्स जमा करती है, सेडिमेंट्स जमा करती है, डिपोजिशन करती है, तभी प्लेन बनते हैं, एलुवियल प्लेन। जो भारत का प्लेन है, ठीक है, वो किसका उदाहरण है, वो एलुवियल प्लेन का ही उदाहरण है।
रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, जमा करती हैं, उसी से पूरा प्लेन बना है, ठीक है, नदन प्लेन ऑफ इंडिया। समझ आया? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो यूएसए का ग्रेट प्लेन है वो किसका उदाहरण है, ठीक है, डायस्ट्रोपिक प्लेन, इरोजनल प्लेन या डिपोजिशनल प्लेन या कोस्टल प्लेन। देखिए ये सिंपली आता है किसके अंदर, ये आता है डायस्ट्रोपिक प्लेन के अंदर में आता है, चाहे ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए हो या अटलांटिक कोस्ट प्लेन हो, अटलांटिक कोस्ट प्लेन, ये दोनों इसी में आते हैं, अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, किस में आते हैं ये, डायस्ट्रोफिक प्लेन्स में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। अभी हमने देखिए क्वेश्चन नंबर किस में बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि पेडिमेंट्स कहाँ बनते, पेडी प्लेन्स कहाँ बनते हैं, ठीक है, मोनाड नॉक्स जो कि पेनी प्लेन में आते हैं, यहाँ लिख देते हैं पेनी प्लेन्स, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, पेनी प्लेन्स, ठीक है, ये बताया था, इरोजनल साइकिल बताया था, आ गया क्वेश्चन इस तरह से ही। तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा इसका पेनी प्लेन्स, ठीक है। पेडी प्लेन्स कहाँ बताया था हमने, माउंटेन्स के फुट के आसपास बनते हैं। क्लियर हुआ है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैग सेरिर एंड हमादा, रैग सेरिर एंड हमादा फॉर्म्ड ड्यू टू विंड रोडेड प्लेन, ग्लेशिएटेड प्लेन, कास्ट प्लेन या नन ऑफ दी अबव। जो ये रैग सेरिर और हमादा हैं कैसे बनते हैं, देखिए ये हमादा वर्ड ये आपने सुना भी होगा, ठीक है, रैग सेरिर चाहे ना सुने हो, ये प्लेन बनते हैं किसके द्वारा, जब हवा इरोजन का काम करती है, जब विंड किसका काम करती है, इरोजन का काम, ठीक है, तभी ये स्थलाकृति बनती हैं, मीन्स प्लेन्स बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडी प्लेन्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधा सीधा कि पेडी प्लेन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो डायरेक्ट इसका आंसर है एलसी किंग, आंख बंद करके लगा देना कि पेडी प्लेन से पूछा जाए कॉन्सेप्ट किसने दिया, इंट्रोड्यूस किसने किया, एलसी किंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउंटेन वर्ड पोर्शन ऑफ द पिडमोंट एलुवियल प्लेन इज कॉल्ड डैश इन इंडिया। अब ध्यान से पढ़ना, माउंटेन वर्ड पोर्शन, पिडमोंट एलुवियल प्लेन का इंडिया में क्या बोला जाता है, पिडमोंट हमने कहाँ बताया है, पिडमोंट बताया था हमने माउंटेन के जो फुट होते हैं, फुट ही फुट के आसपास, ठीक है, तो ये जो बनते हैं यहाँ बन गए, और इंडिया में इसको क्या नाम दिया जाता है, भाबर का नाम दिया जाता है, भाबर मतलब यहाँ मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनके द्वारा ये पूरा एक प्लेन बन जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन वेस्ट बंगाल हायर पार्ट ऑफ द डेल्टा आर कोल्ड। अब देखिए वेस्ट बंगाल तक आते आते, ठीक है, नदियां क्या बनाने लगती हैं, डेल्टा बनाने लगती हैं। अब डेल्टा में भी दो पार्ट होते हैं, एक हायर पार्ट और एक लोअर पार्ट, एक होता है क्या हायर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट, ठीक है, हायर पार्ट को क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन में पूछा, मोनाड नॉक आपको हमने बता दिया क्या होता है, ठीक है, पेनी प्लेन जब बनते हैं मोनाड नॉक स्थलाकृति बनती है, हमादा बता दिया प्लेन होता है विंड के द्वारा, अब चार और बील हैं, ठीक है, चार होता है हायर पार्ट जो डेल्टा बनते हैं उसका, और बील होता है क्या लोअर पार्ट, दोनों ध्यान रखना, जो हायर पार्ट है उसको चार बोलते हैं और जो लोअर पार्ट है उसको बील बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऐसे क्वेश्चन पीजीटी वगैरह में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज फॉर्म्ड व्हेन द लेक्स
आर फिल्ड विद सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर्स। ठीक है, मान लीजिए कोई झील है, अब उसमें क्या है, रिवर्स पानी लाती हैं, ठीक है, सोर्स हैं एक तरह से। अब वो अपने साथ क्या है, सेडिमेंट भी लाई, ठीक है, सेडिमेंट लाइन जमा हो गया। अब सेडिमेंट इतना जमा हो गया कि अब इसमें क्या है, पानी ही नहीं बचा, सेडिमेंट सेडिमेंट ही हो गया। तो इसके द्वारा जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन को क्या नाम दिया जाता है, समझ आया? ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, टिल प्लेन, वो लावा प्लेन, टिल प्लेन, लैकोस्ट्रीन प्लेन, मोरेन प्लेन। तो डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है लैकोस्ट्रीन प्लेन। जो लैकोस्ट्रीन वर्ड है, लैकोस्ट्रीन या लैकोस्ट्राइन, ये वर्ड किससे रिलेटेड रहता है, हमेशा लेक से रिलेटेड रहता है। तो जहाँ भी इसकी बात आ जाए तो यही आंसर लगा देना है, ठीक है, लेक से रिलेटेड बात है, लैकोस्ट्रीन प्लेन होता है। लावा प्लेन कब होता है, जब वोल्केनो इरप्शन होती है, मैग्मा बाहर आता है, लावा बन जाता है, जो लावा इकट्ठा होकर पूरे में फैल जाता है और प्लेन बनाता है, वो लावा प्लेन। टिल प्लेन, मोरेन प्लेन, ये ग्लेशियर से रिलेटेड है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, टिल प्लेन, मोरेनिक प्लेन, ये ग्लेशियल प्लेन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू आर एल सिंह के अनुसार द मीजो लेवल रीजन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू। तो भारत का जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है, आर एल सिंह ने इसको डिवाइड करने की कोशिश की। तो मीजो जो रीजन है वो 6 पार्ट में बताया इन्होंने, 6 में, जिसमें आपका राजस्थान प्लेन बताया है, राजस्थान प्लेन के अलावा उन्होंने बात की है पंजाब प्लेन की, इसके बाद फिर वो आई अपर गंगा प्लेन बोला, फिर उन्होंने मिडिल गंगा प्लेन, देन इसके बाद उन्होंने लोअर गंगा प्लेन बोला, एंड लास्ट में उन्होंने असम वैली बोली। तो 6 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है मीजो लेवल रीजन को। 13 रीजन में उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रीजन को बताया है, फर्स्ट ऑर्डर रीजन, एंड 38 पार्ट में उन्होंने सेकंड ऑर्डर रीजन को बताया है, सेकंड ऑर्डर रीजन, ठीक है। यही 6 को फिर फर्दर डिवाइड किया है इन्होंने, जैसे राजस्थान है उसको मरुस्थली और राजस्थानी बांगर बोल दिया, या पंजाब है पंजाब प्लेन नॉर्थ, पंजाब प्लेन साउथ बोल दिया, अपर गंगा प्लेन है तो इसको भी नॉर्थ साउथ में डिवाइड किया, मिडिल है इसको भी नॉर्थ साउथ में, लोअर है इसको भी नॉर्थ बंगाल प्लेन, डेल्टा प्लेन एंड रार प्लेन इस तरह से, और असम वैली को भी इन्होंने अपर लोअर में डिवाइड किया। तो टोटल 13 फर्स्ट ऑर्डर में डिवाइड किया, 38 वो ये 38 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर याद रखना 6, 13, 38 अकॉर्डिंग टू आर एल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सी एच क्रिक में ने एक डिफाइन दी है, बोला है द प्लेन हैविंग फ्लैट एंड ऑलमोस्ट इवन सरफेस फॉर्म्ड ड्यू टू कोएलसेंस ऑफ न्यूमरस फ्लड प्लेन इज कॉल्ड। ठीक है, जो सी एच क्रिक में है उन्होंने एक डिफाइन दी है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेन और उसका इवन सरफेस है, ठीक है, जब अनेकों फ्लड प्लेन मिल जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो सिंपली उसको पैन प्लेन बोला जाता है, जैसे पैन इंडिया मूवमेंट, ये पैन होता है ना, पैन होता है ओवरऑल के लिए एक तरह से, जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हो पैन इंडिया मूवमेंट, मतलब पूरे भारत में ही चला था वो मूवमेंट, ऐसे ही यहाँ पर प्लेन की बात हो रही है तो पैन प्लेन्स बोलते हैं, जहाँ पर न्यूमरस फ्लड प्लेन बनते हैं, ऑलमोस्ट इवन सरफेस होता है उनका, ठीक है। पैनी प्लेन आपको पता ही लग गया होगा, इच प्लेन और बता देते हैं। देखिए, जब केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग, ठीक है, कहाँ पर, सवाना रीजन में उसको इच प्लेन बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, इच प्लेन बोला जाता है, कहाँ पर, सवाना रीजन, याद रख लेना, ठीक है, सवाना रीजन में, तो उसको बोला जाता है इच प्लेन। करेक्ट आंसर इसका, वैसे इस क्वेश्चन का सी होगा, बाकी एक्सप्लेन हमने चीज़ें कर दी हैं।
अब यहाँ तक हमने देखे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड, अब देखते हैं लेक से रिलेटेड। द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है दुनिया की, लेक देवताल, सो से कुरु लेक, लेक बैकाल, सुपीरियर लेक। तो करेक्ट आंसर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो सो सुकुरु लेक है, ठीक है, वो कहाँ पर है, तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट कहीं कहीं पूछ ली जाती है 18,284 फिट है, ठीक है। बस लोकेशन याद रखना है, तिब्बतन प्लेट्यू, सो सुकुरु लेक, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सूखा ताल, सड़िया ताल, जिसको रोटन लेक बोलते हैं, सड़िया मतलब सड़ गया है, इसको बोलते हैं सड़िया ताल, सड़िया ताल, ठीक है, इसको बोलते हैं सूखा ताल, सूखा ताल। तो ये कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है, ठीक है, लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। तो ये सिंपली है कहाँ पर, उत्तराखंड में, कौन कौन से, सूखा ताल और सड़िया ताल, ठीक है। ये कैसे बने हैं, जब लेक है, कोई लेक है, अब उसमें हमने बताया भी था रिवर पानी लाई, अब सेडिमेंट जमा कर दिया तो पूरी तरह से सूख गया एक तरह से, तो उसको सूखा ताल इसका उदाहरण है, सड़िया ताल इसका उदाहरण है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, लेक्स आर ऑब्लिटरेटेड बिकॉज ऑफ, अब जो झीलें हैं, झीलें वो ख़त्म कैसे हो जाती हैं, ठीक है, या जो लेक्स हैं वो ऑब्लिगेटेड कैसे हो जाते हैं, किसके कारण, लोअरिंग ऑफ आउटलेट, सेडिमेंटेशन एंड सिल्टेशन, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, ये ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो झीलें हैं, सीधी बात है, सेडिमेंट जमा हुआ तो पानी नहीं बचेगा, फिर क्या है वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी, सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन के कारण लेक ख़त्म हो जाती है, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट के कारण भी, ठीक है। एंड जो सोर्स है इस लेक का, कोई सोर्स है, अब वो क्या है, वो यहाँ पर उसका धारा अलग हो गई या फिर नीचे पड़ गई, लेक ऊपर हो गई, तो पानी आ नहीं पाएगा, उसके कारण भी लेक ख़त्म हो जाती है। तो तीनों ही इसके रीज़न है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सिंक्लाइनर लेक्स और एंटीक्लाइनर लेक्स किसके एग्जाम्पल हैं, ग्लेशियल लेक, फ्लूवियल लेक, डायस्ट्रोफिक लेक या सेलाइन लेक के। तो ग्लेशियल में वही मोरेनिक लेक, टिल लेक, ये सब आते हैं, फ्लूवियल में जो रिवर के द्वारा बनते हैं, डायस्ट्रोफिक करेक्ट आंसर है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन हमने बताए थे, तो ये जो सिंक्लाइनल लेक और एंटीक्लाइनल लेक बनती है, ये डायस्ट्रोफिक लेक के ही उदाहरण। सिंक्लाइनल सीधी सी बात है, नीचे की तरफ, जैसे कोई स्थला करती है, यहाँ पर लेक बनी तो सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन, कोई रिवर है, फ्लो कर रही है, बीच में कोई बाधा आ गई, तो बाधा आ गई है, अब यहाँ पर ये लेक बन गई है, तो इसको एंटीक्लाइन लेक बोल देते हैं, ठीक है, वहीं पर लेक बन जाएगी, तो ये डायस्ट्रोफिक लेक के उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने सेट 13 में टोटल 20 क्वेश्चन देखे, ठीक है, डेली हम 20 क्वेश्चन ही कराते हैं एक सेट में। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इनको शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक कमेंट भी कर सकते हो अच्छा सा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 14 के साथ। सेट 14 में एक अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे हम, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट से रिलेटेड, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सेट नंबर 14 के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।